जी प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये अब हमने करना है। आपको पता है ना कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलते हैं और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस के साथ मिलते हैं। द शेयर प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू कोरिलेट द रेट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी रिलेटेड टू द हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ द एसिड एंड बेसिस सेंटर। अभी हमारे पास रिएक्शन है, क्लियर है। अब आपके पास आपको पता है कि ये जो है ये किसके साथ मिलेगा? स्क्रीन जी शो हो रही है बेटा, मैंने तो स्क्रीन शेयर कर दी है। जी आ रही है स्क्रीन बाकी तो क्लास के स्क्रीन ही पास? शो हो रही सर हो रही है नो नहीं हो सर। रहा सर, बेटा मेरी तरफ से अब हो शेयर रही हो है। अब हो चुकी रही है, है सर आपके नेट की नेट का प्रॉब्लम जी सर, होगा। अब हो रही है, अब हो रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास, इसमें एच पॉजिटिव जो है वो आपका ओ एच के साथ मिलेगा, शुड प्रोसीड टुवर्ड द राइट हैंड साइड सिंस इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड आपका एच पॉजिटिव और हार्ड बेस ओ एच नेगेटिव के साथ। ऑन द अदर हैंड, अब आपका है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है, ओ एच की जगह पे आपने एस एच जो है वो रख दिया, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन शुड प्रोसीड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्ट एसिड आपका कौन सा है, H3+HG, H3 CH3HG प्लस किसके साथ मिलेगा, इस सल्फर के साथ मिलेगा सोफ्ट बेस के साथ। मतलब ये वही आ गया ना आपका के हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। क्लियर होगी ये एप्लीकेशन के, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आपका जो है ये हार्ड एसिड है तो ये हार्ड बेस ओ एच नेगेटिव के साथ मिलेगा। इस केस के अंदर आपका क्या होगा कि ये जो आपके पास है सॉफ्ट एसिड आपका सॉफ्ट बेस सल्फाइड के साथ मिलेगा, रिएक्शन आपका किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बायोलॉजिकल एप्लीकेशन अगर हम इस प्रिंसिपल की देखें, मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस आर पॉइजन्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस आपकी जो है वो पॉइजन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस पॉइजनिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय द सॉल्ट बेसिस एंड एसिड दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द बॉडीज। द सब्सटेंसेस दैट आर पॉइजन्स पॉइजनस हेटरोजीनियस कैटलिस्ट आर ऑल पॉइजन फॉर द लिविंग थिंग्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। क्लियर हो गया। आपको पता है ना कि हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों से आपका क्या चीज लेके जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन के दे पॉर्फिरिन रिंग के साथ आपका अटैच होता है आयरन। आयरन के साथ आपका जो बॉन्ड बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन का, और वो मायोग्लोबिन के अंदर जाके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ आपका बॉन्ड बन जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का तो वो ब्रेक नहीं होता। क्लियर है, ये है पॉइजनस। इज अ पॉइजनस गैस बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्ट रेडली विद आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये अब आपके पास स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ठीक हो गया। आयरन इज प्लेनर, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है। ये एक वैसे डायग्राम दिखाई हुई है कि ये आपका जो है ना ये पॉर्फिरिन रिंग कहलाते हैं। ये जो है ना आपके पास ये है ये है ये है ये है, चार पॉर्फिरिन रिंग है यहाँ पे, इनके ये बॉन्ड लेंथ वगैरह ये शो की गई है। और ये आपका जो ना आयरन है, आयरन आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को जो है ना वो लेके जा रहा है मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन के अंदर। सिम्बियोसिस की अगर हम बात कर दें, अकॉर्डिंग टू जॉर्जेंसन सॉफ्ट लिगेंड्स आर बेसिस, जो आपके सॉफ्ट लिगेंड हैं आर बेसिस जो हैं टेंड टू फ्लॉक टुगेदर ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम एंड हार्ड लिगेंड टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। दिस म्यूचुअल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब ऐसे क्या होता है? जी बॉटनी के अंदर आपने सिम्बियोसिस नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा है सर।
सर ये दो सेम्बियोसिस दो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है जिसमें उनको आपस में नफा या यानी कि वो फ्लॉक हो जाते हैं ना, फ्लॉक क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक हो गया। यही बात ये यहाँ पे करेगा, जॉर्ज जॉर्ज जेंसन हैज रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ द सॉफ्ट लिगेंड टू कंबाइन विद द सेंटर हैविंग सॉफ्ट लिगेंड एंड वाइस वर्सा। यानी कि सॉफ्ट लिगेंड जो आपका है ना, उसके गिर्द आपके क्या चीज करें, सॉफ्ट लिगेंड मिल जाए, कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसके दरमियान जिसमें आपका कोई सॉफ्ट लिगेंड लगा हुआ है और उसके सराउंडिंग में बाकी सारे जो सॉफ्ट लिगेंड जो है वो इकट्ठे हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो फ्लॉक हो गए, मीन्स सिम्बियोसिस हो गई। द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एन एसिड आर बेसिक एसिडिक आर बेसिक साइड इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकुलर एटम एट दैट साइट बट कैन बी इन्फ्लुएंस बाई द सब्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक हो गया ये बात, यहाँ पे जरा समझे कि वो कह रहा है कि जो आपकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस जो है ना, किसी भी एसिडिक या बेसिक साइट की जो है ना, वो प्रॉपर्टी नहीं, हमने पीछे कहा बॉर्डर लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो बॉर्डर लाइन आपकी या जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वेरी कर रही है ऑन द इन्फ्लुएंस आर ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंटेड एटम, कि जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो आपके एसिडिक या बेसिक साइड जो है उसकी प्रॉपर्टी, जिनके जो हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है उसको वो चेंज कर देते हैं। द एडिशन ऑफ सॉफ्ट पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूएंट कैन सॉफ्टन एंड अदरवाइज हार्ड सेंटर, के हार्ड सेंटर है ना, तो अगर आप उसके अंदर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें जो सॉफ्ट और पोलराइज हो तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट कैन रिड्यूस द सॉफ्टनेस ऑफ अ साइट। समझ आ गई ये बात? फॉर एग्जाम्पल BF3 इज अ हार्ड एसिड एंड BH3 इज अ सॉफ्ट एसिड, है तो आपका यहाँ पे सेंटर एटम बोरोन है ना। बात समझ आ गई कि आपका बोरोन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, लेकिन इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट आपके अटैच हो गए, यहाँ पे आपका फ्लोराइड है, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपका H पॉजिटिव है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी नेचर को चेंज कर दिया। यहाँ पे आपका BF3 जो है ये हार्ड एसिड है, और यहाँ पे BH3 आपका क्या है, सॉफ्ट एसिड है। द एसिडिक बोरोन एटम इज बॉर्डर लाइन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट, कि इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये एसिडिक और बेसिक दोनों के अंदर है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों के अंदर आ जाएगा। द हार्ड BF3 मॉलिक्यूल विल प्रेफर टू बॉन्ड टू अनदर एफ नेगेटिव फ्लोराइड आयन, बट द सॉफ्टर BH3 एसिड विल प्रेफर टू सॉफ्टर हाइड्राइड आयन। ये आपके पास एग्जाम्पल क्लियर है कि BF3 है ना, तो ये फ्लोराइड के साथ मिलेगा और BF4 टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन बनाएगा, और ये आपके पास क्या है, BU-H6 है, ये आपका कौन सा है, ये BH3 जिसे हम कहते हैं, ये आपने पढ़ा नहीं है बोरेन, उस वो हाइड्राइड के साथ मिलेगा, आपके पास बोरोन टेट्राहैलाइड आ जाएगा। इट इज कम्पिटेटिव रिएक्शन, देयरफॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड टू द राइट। ये चीज है ना, ये आप देखें यहाँ पे ये आपकी आ गई है, ये दोनों चीजें आपकी आ गई यहाँ, कि BF3H- है और BH3F- है। ये आपको पता है कि ये एफ जो है ना, ये इसके साथ मिलेगा BF3 के साथ, ये ऊपर आपने रिएक्शन पढ़ लिया कि ये BF4 नेगेटिव बना देगा, और यहाँ पे ये जो H नेगेटिव है ये आपका BH3 के साथ मिलेगा और BH4 नेगेटिव बना देगा, इसलिए ये कह रहा है कि ये कम्पिटेटिव रिएक्शन है आपका। जॉर्ज जेंसन हैज रेफर टू दिस टेंडेंसी ऑफ फ्लोराइड आयंस टू फेवर फर्दर कोऑर्डिनेशन बाय अ फोर्थ फ्लोराइड एज सिम्बियोसिस। अब ये देखें कि ये आपका यहाँ पे ये BF3 था, तो इसमें ये सेंट्रल एटम आपका, और ये इसके साथ फिर फ्लॉक हो गए, उसके सराउंडिंग में एक और आपका आके जो है ना उसने फ्लॉक बना दिया, इसी तरह यहाँ पे आपका जो है ये फ्लॉक आपका यहाँ पे बन गया, क्लियर हो गया, मतलब कि यहाँ पे ये आपकी जो है वो सिम्बियोसिस होगी।
जॉर्ज जेनसन हैज रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड टू कंबाइन विद द सेंटर हैविंग सॉफ्ट लिगेंड एंड वाइस वर्सा एज अ सिम्बायोसिस क्लियर ही हैज दस एक्सप्लेन द टेंडेंसी ऑफ सच कंपाउंड टू बी सेमिटिकली सब्स्टिट्यूटेड रादर देन टू हैव मिक्स सब्स्टिट्यूएंट लाइकवाइज द फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो स्पॉन्टेनियसली ये जैसे ये हमने रिएक्शन एक्सप्लेन किया इसी तरह आपका ये वाला रिएक्शन है क्लियर हो गया समझ आ गई क्लास ये CH3 है ना तो एक आपका ये H इसके साथ आ जाएगा CH4 हो जाएगा और ये आपका C बचेगा और F बचेगा तो एक F आपका फर्दर इसके साथ आ जाएगा तो CF4 आ जाएगा आपका प्रिडक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस मे बी यूज्ड टू प्रिडक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ऑफ द टाइप रिएक्शन ऑफ द टाइप इनके डेल्टा एच कि आपका रिएक्शन किस साइड पे जाएगा क्लियर हो गया जिस साइड पे जाएगा उसी की आप जो है वो डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं अभी हमने ये पढ़ा ना ऊपर ये मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे प्रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये बता दिया कि ये आपका रिएक्शन इस तरफ जाएगा तो फिर उसी हिसाब से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर डेल्टा आपका जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका होगा चॉइस ऑफ कैटालिस्ट द शेप प्रिंसिपल इज आल्सो यूजफुल टू सिलेक्ट अ पार्टिकुलर कैटालिस्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ये जो आपके रिएक्टेंट है ना ये जो रिएक्टेंट है उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कैटालिस्ट कौन सा रिक्वायर्ड होगा अगर ये आपका सॉफ्ट है तो कैटालिस्ट भी आपका सॉफ्ट टाइप का आएगा अगर ये हार्ड है तो आपका कैटालिस्ट भी हार्ड टाइप का आएगा क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो आपका क्या करता है कंपाउंड बनाता है कंबाइन होता है रिएक्टेंट के साथ और दरमियान में आपकी इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है उस इंटरमीडिएट स्टेज से जब वो प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो फिर आपका जो है वहां से कैटालिस्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है क्लियर कंसीडर द रिएक्शन ऑफ द टाइप ये आपका बेसिक यहाँ पे उसने कहा कि ये बेसिक कैटालिस्ट है आपका और ये एसिड कैटालिस्ट द चॉइस ऑफ हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस कैटालिस्ट इज डिक्टेटेड बाय द हार्ड और सॉफ्ट नेचर ऑफ द एसिड और बेस In case of first reaction, a basic catalyst is used which bind X effectively to speed up the rate of reaction. अब ये देखें कि ये आपका है ना वैसे बेसिकली होता ये है मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो है ना ये अगर मैं कहूँ कि ये आपके ये सर्फस होती है ना कैटालिस्ट ये इस तरह हम कहते हैं या फाइनली डिवाइडेड सर्फस या उसके इस तरह स्मूथ सर्फस बना के तो ये यहाँ पे अगर सपोज ये कैटालिस्ट है ये आपका ए और बी जो है ये आ रहा है तो ये ए और बी क्या करेगा कि इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा ठीक है इसके साथ बॉन्ड बना दिया फिर आपका ये जो बॉन्ड अगले स्टेप के अंदर होगा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इनहांस हो जाएगा ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये पाउडर जो है ना ये आपकी सेपरेट हो जाएगी यहाँ से तो ये जो हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट ये है आपका ये दरमियान वाली जो स्टेज है जहां पे ये बॉन्ड आपका बना हुआ ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेज चलाती है अगर इनकी नेचर सेम नहीं होगी ना तो ये फिर बॉन्ड नहीं बनेगा क्लियर हो गया बात समझ आ गई अब कोर्स ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं द कोर्स ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल ये हमने पीछे भी बात की है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की है ठीक है फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन लिथियम आयोडाइड एंड सीजियम फ्लोराइड ऑलवेज गिव्स लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड कि ये आपका हार्ड हार्ड सॉफ्ट है ये जो है और ये आपका सॉफ्ट हार्ड है ये आपका फिर क्या कर रहा है जी यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ रही है हार्ड हार्ड के साथ मिल गया ये सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ मिल गया यानी कि ये रिएक्शन इनका आपस में होगा और सिमिलर नेचर के कंपाउंड बन जाएंगे इसी तरह आपके ये फॉलोइंग रिएक्शंस हैं क्लियर हो गई बात कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंडेड लिगेंड एम्बिडेंडेड लिगेंड कैसे होते हैं जी एम्बिडेंडेड लिगेंड क्या होते हैं
ये लिखा हुआ है बेटा आपके पास, इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन थ्रू मोर देन वन एटम्स। मोर देन वन एटम से जो कोऑर्डिनेट करें वो आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ शेफ कैन प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस विद एम्बीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल थायसाइनाइड आयन, अगर थायसाइनाइड आयन की हम एग्जाम्पल लें ना, तो इसमें बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें आपका जो है ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, और बहुत से ऐसे कॉम्पाउंड आपको मिलेंगे जिनमें ये सल्फर से बॉन्ड बनाता है। तो इसने दो जगह से बॉन्ड बना दिया, या नाइट्रोजन से बनाएगा या सल्फर से बनाएगा, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। जब लिखेंगे तो जिस साइड का ये एटम इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग के अंदर, वो वाला एटम आपने मेटल की तरफ लिखा है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये है कि ये इसने नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ये सल्फर ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इट इज नॉट टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप। इन दिस कॉम्प्लेक्सेस एसिड के टाइम्स ऑफ कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक डू कोऑर्डिनेशन थ्रू नाइट्रोजन। ये देख लें, नाइट्रोजन मेटल की तरफ, फिर क्या नाइट्रोजन है, मतलब कि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप दिस, जहां पे आपका सल्फर का मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ है, विद एसिड के टाइन रोडियम रेडियम प्लाटिनम प्लाटिनम एंड एयू बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू सल्फर एटम। देयर स्टेबिलिटी कैन बी इजिली एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू शेप प्रिंसिपल। सॉफ्ट एसिड लाइक ये वाले जो आपके हैं, ठीक है, प्रेफर टू कोऑर्डिनेट थ्रू सॉफ्ट सल्फर एटम टू फॉर्म मेटल सल्फर बॉन्ड। ऑन द अदर एंड अ हार्ड एसिड लाइक दिस, ये जो आपके हैं, प्रेफर टू कोऑर्डिनेट थ्रू द हार्डर नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म द मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड। हाउएवर देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ बोथ, कि जहां पे आपका सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्डिंग है टू द सेम मेटल। क्लियर हो गया। लिमिटेशन ऑफ शेफ प्रिंसिपल या शेफ कॉन्सेप्ट, द चीफ लिमिटेशन ऑफ द शेफ कॉन्सेप्ट इज इट्स जनरल नेचर विदाउट एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्लियर हो गया कि इसके अंदर कोई भी आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, ये एक जनरल प्रिंसिपल हमने डिफाइन किया हुआ है। सेकेंडली, द आर्बिट्रेरीनेस परमिटेड टू ब्रेक अ कंपाउंड टू एसिड एंड बेस फ्रेगमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमेना इज अ कन्वीनियंस ओनली वेन द रिएक्शन इज नाउन। क्लियर है कि जो अननोन रिएक्शंस है ना, उनके अंदर फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जो हमारे पास डिफाइन है कि यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अननोन के अंदर हम इसको नहीं कर सकते। थर्डली, एज द सॉफ्ट ए हार्ड सॉफ्ट फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट द एसिडिक आर बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। क्लियर हो गया। तो ये इसकी आपकी जो है ना वो लिमिटेशन है शेप कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हुआ।